सो गाइस एशिया कप 2022 में कुल यहाँ पे 4 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं एंड मैच नंबर 4 इंडिया की टीम 40 रनों के साथ जीत चुकी है एंड इंडिया के जीतते ही दो टीम्स कंफर्म हो चुकी है जो यहाँ पे सुपर 4 में खेलेगी एंड अभी भी दो टीम्स बची है जो यहाँ पे सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर सकती है। आखिर कौन सी बची हुई दो टीम से पॉइंट्स टेबल को डिटेल में एनालिसिस करने वाले तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछले एनालिसिस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस किया था लेकिन इस बार फटाफट एनालिसिस कर देते। टोटल दो ग्रुप से, ग्रुप ए में 3 टीमें इंडिया पाकिस्तान हांगकांग की टीम एंड वहीं पे ग्रुप बी में अफगानिस्तान बांग्लादेश एंड श्रीलंका की टीम है। दोनों ही ग्रुप से जो टॉप की दो टीम है वो यहाँ पे सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब जो 4 टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी फिर यहाँ पे उनका अलग से ग्रुप बनेगा एंड एक टीम बाकी जो टीम से उनसे एक एक मुकाबला भिड़ेगी। अब फाइनली जो सुपर 4 के जितने भी मैचेस है कंप्लीट होने के बाद जो टॉप की दो टीम होने वाली है उनके बीच में डायरेक्ट फाइनल मैच खेला जाएगा, इस हिसाब का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे दोनों ही ग्रुप्स को एनालिसिस कर लेते हैं, एक एक टीम के बारे में बात करेंगे। सब ग्रुप ए की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रुप ए का पॉइंट्स टेबल आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं जहाँ पे इंडिया की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है दोनों मैचेस जीतने के साथ ही एंड ए वन रहने वाली है इंडिया की टीम एंड पाकिस्तान की टीम नंबर 2 पे है। एक मैच खेली है, पहला मैच हारी है 0 पॉइंट के साथ, इनका नेट रेट -0.175 का है एंड हांगकांग की टीम ने भी एक मैच खेला है, पहला मैच हार चुकी है, इनके पास 0 पॉइंट है। एंड मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल में जो नेट रन रेट है उसका कोई भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, जो टीम जीतेगी वो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगी। तो अब क्या होगा यहाँ पे जो पाकिस्तान एंड हांगकांग के बीच में जो मुकाबला है 2 सितंबर को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, ये मैच डिसाइडिंग रहने वाला है। जो भी टीम मैच जीतेगी वो यहाँ पे ग्रुप ए से क्वालिफाई कर जाने वाले सुपर 4 के लिए एंड जो भी टीम मैच हारेगी वो यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाएगी, यानी कि अपने घर जाने वाली। एंड ग्रुप बी में भी सेम सीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाई कर चुकी है 2 जीत के साथ एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका की टीम अपना पहला मैच हारी है एंड आज के दिन जो मुकाबला होगा बांग्लादेश एंड श्रीलंका का दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, ये मैच जो भी टीम जीतेगी वो यहाँ पे सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी एंड जो भी टीम मैच हारेगी वो यहाँ पे अपने घर जाएगी। तो ग्रुप बी से अभी अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाई की है एंड वहीं पे ग्रुप ए से इंडिया की टीम क्वालिफाई की है। बांग्लादेश श्रीलंका में से जो भी टीम जीतेगी वो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ क्वालिफाई कर जाएगी एंड पाकिस्तान एंड हांगकांग में से जो भी टीम जीतेगी वो यहाँ पे इंडिया के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। तो यही अभी सिंपल सा सिनेरियो एंड जब सुपर 4 के जो मैचेस स्टार्ट हो गए उसमें भी इसी टाइप का सिनेरियो रहने वाला है। टॉप की दो टीम फाइनल खेलेगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है अपकमिंग डेज में, तो स्टे ट्यून रहिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आपको अपकमिंग डेज देखने को मिल जाएंगे। वीडियो कहीं पे एंड करते, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कि वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी कि मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।